डीसीपी साहब। माय गॉड, मर गए क्या? पता नहीं सर। गंदे गंदे, देख एक तो मारा है, तुझे भी मार दूंगी मैं। प्रिया खींचाता नहीं मत करो, अपनी गंदे तो हमारे हवाले करो। तुम सबको मार डालूंगी मैं। प्रिया पागलपन मत करो, बात सुनो हमारी। तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी मैं। मार, सच में मार दूंगी मैं। मार सारंगी, डीसीपी साहब की लाश को लैब में ले जाता हूं। मैं एक मैं कौन हूं हा? और तुम मतलब मैं जिंदा हूं। हेलो सर। ओए अभिजीत, आ रहा है वो शायद है। क्या हुआ था सर, आप वहां जमीन पे लेटे हुए क्यों थे? मैं गोली की आवाज से ही बेहोश हो गया। गोली की आवाज से? तो गोली क्या आपकी गन से चली? हाँ, नकली थी। डीसीपी साहब पे गोली क्यों चलाई तुमने? गोली क्यों चलाई डीसीपी साहब पे? वो डीसीपी साहब से पूछिए। तुम्हें मालूम था ना, अगर डीसीपी साहब को गोली लगती तो मर जाते। मालूम था ना तुम्हें, तो फिर गोली क्यों चलाई? एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या करेगी? फ्लैट में ऐसा क्या हुआ, डीसीपी साहब ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ कि तुमने गोली चलाई? वो हाँ यार, समझ में नहीं आता कि डीसीपी साहब इस लड़की को फ्लैट में लेकर क्यों गए, क्या जरूरत थी? डीसीपी साहब कहाँ पर थे उस वक्त? आगे थे। वो आगे थे, तुम पीछे थे? नहीं, हम मैं पीछे थी। मैं पीछे थी। तो कमरे से बाहर भागी क्यों नहीं? दरवाजा बंद था। दरवाजा अंदर से खुलता है, खोल के भागी क्यों नहीं? तो उन्होंने गन लगा के रखी थी यहाँ पे, मैं क्या करती? डीसीपी साहब ने गन लगा रखी? मगर तुमने अभी भी कहा कि डीसीपी साहब आगे थे, तुम पीछे थी, तो कैसे गन, मतलब कैसे? उनके हाथ में तो थी ना। हाँ, तो वो गन तुम्हारे हाथ में कैसे आई? छीन ली थी मैंने, ले ली थी। डीसीपी साहब से तुमने गन छीन ली थी? हाँ, ले ली थी। क्या बात है। और जब तुमने गन छीनी, उस वक्त गन डीसीपी साहब के किस हाथ में थी? राइट हैंड में थी। मगर डीसीपी साहब तो लेफ्ट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं। हाँ, वो शायद गन लेफ्ट हैंड में थी, राइट हैंड में थी? लेफ्ट में थी। याद करके बताओ, सोच के बताओ, कौन से हाथ में गन थी? ठीक से याद करके बताओ। मैं बहुत ही घबराई हुई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वो ये जैकेट तुम्हारे घर में से मिली हमें। मेरे घर से? हाँ, तुम्हारे घर में से। पहचानती हो इसे? नहीं। कहाँ से आई? देखिए, मैं कपड़ों का काम करती हूँ, काफी सारे कपड़े आते हैं जाते हैं। तो कहाँ से आया ये? कैसे आया? जो बनाते हैं वही लाते हैं। कैसे लाते हैं? हाथ में लेके आते हैं? नहीं, प्लास्टिक के बैग में लाते हैं। एक ज्वेलरी की दुकान लूटी गई है, लूटने वालों में से एक लड़का मर गया है, और जिन लोगों ने ये दुकान लूटी है उन लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई थी। ये जैकेट? ये जैकेट? हाँ, ये जैकेट। तू पकड़ी जाएगी, समझा? पकड़ी जाएगी, उस लड़के के खून के जुर्म में पकड़ी जाएगी। लड़के के खून के जुर्म में भी, और डीसीपी चित्रोले के ऊपर गोली चलाने के जुर्म में भी, समझी? ये तो अच्छा हुआ डीसीपी चित्रोले गन में नकली गोलियां रखते हैं, नहीं तो आज चले गए होते ऊपर, ऊपर वाले से बात कर रहे होते, समझी? पानी पीजिए, थक गई होंगी आप। इसे पहचानती है, इस लड़की को? इसको देख, पहचानती है? नहीं, कौन है ये? ये लड़की, इसने दुकान लूटी है, ये ठीक से देख। मैं नहीं जानती। जानती है या नहीं? नहीं, हाँ? नहीं, नहीं। इसको तो पहचानती होगी ना, इसको पहचानती है? नहीं, नहीं जानती। से नहीं, ठीक से देख, शायद याद आ जाए।
नहीं, मैं नहीं जानती। कुछ कुछ ये याद आ रहा है मुझे। चलो कुछ तो याद आया। कौन याद कर? ये शायद पिज्जा डिलीवरी में काम करती है। कैसे जानती हो इस लड़की को? हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो ये आती है कभी कभी डिलीवरी करने। कौन से पार्लर में से? चक्रम पिज्जा पार्लर। अभिजीत दया जाओ जाओ वहाँ पे। ओके, क्या नाम क्या है लड़की का? सोनम है। सोनम जो लड़का मरा है उसके बारे में सब कुछ पता चल गया। पता चल गया? हाँ, तुम जानती हो उसे? नहीं। वो लड़का तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहता है। उसके साथ जो लड़की शामिल थी उस चोरी में, उसने जो जैकेट पहन के रखी थी वो तुम्हारे घर में से मिली थी, और तुम कह रहे हो तुम जानती नहीं हो? मैं नहीं जानती। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? चोरी किसने की? मुझे नहीं मालूम। लूट का मलखारा खाता? मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बोलेगी, उसका नार्को टेस्ट करना पड़ेगा। कोर्ट से परमिशन लाइए। लाएंगे ना? तो करेंगे ना। ठीक है। Excuse me. धक्का क्यों दे रहे हो भाई? ज्यादा भूख लगी है क्या? नहीं, भूख भी नहीं लगी, धक्का नहीं दे रहे, जरा कुछ काम है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, जरा बाहर आएंगे, कुछ काम है। क्या काम है यही बताइए। देखिए, हम लोग CID से हैं, बहुत जरूरी काम है, प्लीज बाहर आइए। CID से? क्या बात है सर? आप इसे जानती हैं? सर ये तो सोनम है, यही काम करती है। कहाँ है सोनम? सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? अभी नहीं। कहाँ है सोनम अभी? सर वो तो अभी नहीं है। अभी नहीं मतलब कहाँ गई? सर एक ऑर्डर आया था, उसी को देने गई है। कब गई वो? बस अभी थोड़ी देर पहले निकली है। ये ऑर्डर लेके कहाँ पे गई वो? यहाँ किसको चस्का लग गया पिज्जा खाने का? कोई है? कोई है क्या? हेलो, पिज्जा डिलीवरी। हेलो सर, मैम कोई है? So, दो इंजेक्शन लगा चुके, ये तीसरा है, बस इतना ही अलाउड है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं
बालो। देखा ना, अभी भी सच नहीं बोल रही है। अगर अभी भी कुछ नहीं बोली ना, तो फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। सच्चाई का पता चलना चाहिए ना, तो अपने ब्यूरो में ले जाकर पूछताछ करो ना इससे। देख सकते तो ये क्या हो रहा है? हाँ, पूछताछ ही हो रही है ना, परमिशन है। ये पूछताछ नहीं है सर, ये नार्को टेस्ट है, और 3 इंजेक्शन दे चुके हैं हम इसे। मालूम है सालुंखे, मालूम है। प्रिया, 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 सुनो, प्रिया, प्रिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? प्रिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे नींद आ रही है। प्रिया, प्रिया, लिसन, प्रिया, 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 रॉबरी का प्लान किसने बनाया था? रॉबरी का प्लान वीर ने बनाया। वीर ने बनाया था, वीर ही मर गया। और क्या कहा था वीर ने? वीर ने बोला रॉबरी करनी है, इसे लूटने हैं। प्रिया, प्रिया, सुनो, 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 वीर तुम्हारे पास क्यों आया था? हाँ, क्योंकि उसे मालूम था। क्या क्या मालूम था? कि मैं रॉबरी करवा सकती हूँ। प्रिया, 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 लिसन, हाँ, वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मुझे नींद आ रही है। नहीं 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 नहीं, प्रिया तुम सुन रही हो? प्रिया, 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 उठो, उठो, प्रिया, उठो, उठो, गुड गर्ल। वीर को कैसे पता कि तुम रॉबरी करवा सकती हो? मैं एक रॉबर हूँ। ये भी? तुम एक रॉबर हो? हाँ, मैंने डकैती डाली है। कौन 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 पूछो? हाँ, प्रिया, 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 सुनो, वीर का खून किसने किया था? वीर का खून मालूम नहीं। रॉबरी की प्लानिंग कब करी, कितने दिन पहले, पूछो। प्रिया सुनो, प्रिया उठो, उठो, प्रिया, रॉबरी की प्लानिंग कितने दिन पहले की? 2 महीने, 2 महीने, 2 महीने पहले। हेलो, प्रिया, 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 उठो, 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 नहीं नहीं नहीं, उठो, उठो, प्रिया, प्रिया, चलो सर, लेकिन 2 महीने पहले वीर इसके पास आया, इसने उसकी मदद की, इसने ही इकट्ठा किया है बाकी लड़कियों को भी। 2 महीने पहले कुछ तो हुआ है। 2 महीने पहले वीर ने रॉबरी करने की सोची। क्या क्या हुआ होगा? ये बिल्डिंग तो अभी बनी भी नहीं है, किसी मजदूर को पिज्जा खाने की तलब लग गई क्या? पिज्जा खाने की बात तो दूर, यहां आसपास कोई मजदूर भी दिखाई नहीं दे रहा। पिज्जा वाली बाइक, सोनम आई है यहां पे, देखा तो सही किसने मंगाया पिज्जा। पिज्जा
पिज्जा का टुकड़ा, बाकी का हिस्सा कौन खा गया? इधर भी है। से पहले ही निकल गई यहां से बाइक छोड़ के। इतना सारा पिज्जा यहां पे बिखरा पड़ा है, कुछ तो हुआ यहां पे। सर ये वीर तो बेसिकली चोर ही था, और चोर का ऐसा कोई प्लान नहीं होता कि महीने की पहली तारीख को चोरी करेगा या आखिर में। तो सर तो वीर के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब मूड आया तो चोरी कर ली, और इस बार काम बड़ा था तो वो प्रिया के पास गया कि तू रॉबरी कर दे मेरे लिए। मतलब ये जो दो महीने की रट लगाए हुए है, इसका कोई मतलब ही नहीं। जी सर, वो 2 महीने पहले भी जा सकता था, 3 महीने पहले भी, या 1 महीने पहले भी। मतलब पूरी तुम ये कहना चाहती हो कि हम उस बात को भूल जाएं कि वो 2 महीने पहले प्रिया से मिला था। जी सर। नहीं सर, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए सर। क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले वीर ने एक आदमी को 15 बार फोन किया सर। 15 बार? हाँ सर, लेकिन बात एक बार भी नहीं हुई। ये अलग है। अरे जब बात ही नहीं हुई तो फोन क्यों किया भाई ने बार बार? क्योंकि एक बार भी फोन नहीं उठाया सर उसने। और जब उसने फोन नहीं उठाया तो वीर ने बोला होगा, नहीं फोन उठाना है तो मत उठा, मैं प्रिया के पास चला जाऊंगा। और उसने प्रिया को जाकर के बोला होगा, प्रिया इस बार तू मेरी मदद कर दे, ज्वेलरी की दुकान लूट ले मेरे लिए। सचिन इस नंबर पे फोन लगा। पता लगाओ ये फोन नंबर है किसका। ओह नो, सोनम 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 सोनम। सर जख्म बहुत गहरा है। सोनम किसने किया ये? सोनम कौन था? कहाँ हीरे? पहाड़ पे कहाँ? वो पहाड़ पे कहाँ है? कहाँ हीरे? वो फैक्ट्री। पहाड़ और फैक्ट्री बोल रही थी। कैरेज कट, कैमरा लेके जाओ। रहने दो बेटा, तुमसे नहीं होगा। मैम प्लीज एक चांस और दे दीजिए मैम प्लीज। व्हाट एक चांस करके तुमने मेरी पूरी दोपहर बर्बाद कर दी है। तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? आप तो ऑल आई लुक लाइक आई। देखिए मैम, हम लोग CID से कुछ पूछताछ करने के लिए यहां आए हैं। यस सर। ये नंबर आप जानती हैं ये किसका नंबर है?
ये हमारे आर्ट डिपार्टमेंट के कुणाल का नंबर है। कुणाल? जरा बुलाइए कुणाल को, उससे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन सर वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। कहाँ गया, कुछ जानती है? उसकी फैमिली ने बताया कि उसे बहुत ढूंढा पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। कहाँ पर है वो, कहाँ रहती है उसकी फैमिली? मैं देख के बताती हूँ। पूर्वी आइए। देखिए मैम, वैसे आपके फिल्म के हीरो का रोल क्या है? साइको डॉक्टर का, जो एक के बाद एक अपने सारे मरीजों को मार डालता है। आप करेंगे ना? मैम वैसे ये साइको डॉक्टर ही है, चला एक्टिंग करने निकला है। अरे सुनिए, ये कुणाल कहाँ रहता है? जी उधर ऊपर। थैंक यू। ये कुणाल का घर है? हाँ सर, पर क्यों सर, क्या हुआ? कुणाल का पता चला क्या सर? हाँ बड़ा तने का तेरे लफड़ा केला असेल। कहाँ है वो नालायक, एक बार मिले तो सही। हाँ कहाँ है वो? अगाई गप्प बस ना, मैं बोलते ही नहीं त्यांच्याशी। पर तो आपल्या कर्माने मरणार, त्याच्याबरोबर असंच व्हायला पाहिजे। आई तू जा बरं आधी, तू जा, मी बोलते त्यांच्याशी। सॉरी सर। तुम कोण? सर मैं दीप्ती, मैं उसकी की। सर मैं कुणाल को जानती हूँ सर। तुम कुणाल को जानती हो? तो फिर तुम्हें पता होगा कुणाल कहाँ गायब हो गया, किस वजह से गायब हो गया। हाँ? नहीं सर, पर देखो दीप्ति, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें कुणाल के बारे में जो भी कुछ पता है बता दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सर वो मेरी अंकिता से बात हुई थी सर। अंकिता? अंकिता कौन है ये अंकिता? अंकिता कुणाल की बहन है सर। क्या क्या कहा अंकिता ने? सर अंकिता ने बोला कि दीदी प्लीज प्लीज बताओ ना क्या बात है, आप इतनी ज्यादा क्यों परेशान है, मला सांगा ना प्लीज। मुझे पता है कि वीर को किसने मारा है, पता है मुझे। किसने मारा है, कौन है दीदी, कौन है वो? मैं नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकते तुम, प्लीज मला सांगा कौन है वो? क्योंकि जिसने उसे मारा है उसी ने शायद कुणाल भैया को भी किडनैप किया है। और दीप्ति अगर मैंने किसी को भी बताया ना तो शायद वो भैया को भी मार दे। अब तू ही बता मैं कैसे बताऊं? My God. तो अंकिता की जान को खतरा है? अंकिता कहाँ है इस वक्त? मुझे नहीं पता सर, उसके पास से मैंने नहीं देखा उसे, कोई बात नहीं उसे। उसका फोन नंबर दो। जी जी सर, 1423-2784। सर फोन नहीं उठा रहे। उसका फोन ट्रेस करते हैं। तैयार हूँ।
सर अंकिता का मोबाइल ओएनजीसी की तरफ बता रहा है। ओएनजीसी की तरफ? सचिन जल्दी गाड़ी चला, इससे पहले कि देर हो जाए हमें उसे रोकना होगा। तो आप वो मांगी रोड की तरफ जा रहे हैं? मांगी रोड की तरफ? तो वो कहीं रुक गई? रुक गई कहाँ पर? तो किसी पहाड़ी इलाके में। सचिन गाड़ी भगा। यही वो जगह है जिसके बारे में सोनम ने बताया था मरने से पहले। तो अंकिता यहां आई? सर सोनम ने मरने से पहले हमें इस जगह का पता बताया था और हम कुणाल की बहन अंकिता का फोन ट्रैक करते करते यहां तक पहुंच गए। सर आप लोग? अंकिता तुम यहां क्या कर रही हो? सर मैं वो हीरे। हीरे? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? हाँ क्या चक्कर है ये? मालूम है ना तुम्हें इन हीरो की वजह से ही तुम्हारा मंगेतर वीर मारा गया। हाँ फिर ये क्या चक्कर है? ये हीरे तुम्हारे पास कैसे? सर मुझे ये हीरे चुराने को कहा गया था। सर मेरे भाई को किडनैप किया गया और फिर उन्होंने ये हीरे मांगे। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने वीर को सब कुछ बता दिया। वीर ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सर मुझे नहीं पता था कि वीर मारा जाएगा, नहीं पता था मुझे सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से हो रहा है। सर ये हीरे ना किडनैपर को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा। देखो अंकिता अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, ये हीरे फिलहाल तुम्हारे पास ही रखो, रखो तुम्हारे पास रखो, और जो किडनैपर ने कहा है तुमसे करने के लिए बिल्कुल वैसा ही करो। लाया जल्दी करो दे दो। जल्दी करो जल्दी करो हीरा लाओ।
सीआईडी सीआईडी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे। अच्छा धमकी दे रहा है हमें? बस बस सच बोल रहा हूं, ये लड़की की भाई की जान मेरे हाथों में। अगर मैंने किडनैपर को फोन नहीं किया कि मुझे हीरा मिल गया तो इसके भाई की जान ले लेंगे। सर ये सच कह रहा है, सर मेरा भाई मर जाएगा, कुछ कीजिए ना प्लीज। देखो अंकिता घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, कुछ नहीं होगा, जाओ जाकर मिल लो उसे। चलो बेटे लाल जरा किडनैपर को फोन करो कि हीरे तुम्हें मिल गए, करेगा ना? हाँ हाँ करो। क्या बात, बिल्कुल टाइम पे आई। आओ आओ, तुम्हारा भैया तुम्हें काफी मिस कर रहा है। देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने जो कहा मैंने किया, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। काफी होनहार हो तुम, जिसको तुमने डायमंड दिए थे उसका फोन आया था मुझे। मुझे मेरा भाई चाहिए, कहाँ है वो भाई? चाहिए मुझे भैया, भैया 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 भैया, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आप घबराओ मत, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा आपको, आप अकेले नहीं हो। हे भगवान। बिचारे अंकिता कितनी भोली हो तुम, इतनी आसानी से मुझ पे यकीन कर लिया तुम। क्या मतलब है इसका? तुम्हें क्या लगा कि दो खून करने के बाद मैं ऐसे ही रहूंगा? तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि मैंने वीर और सोनम को क्यों मारा? क्योंकि मैं कोई भी कड़ी छोड़ना नहीं चाहता था। अब तू और तेरे भाई की बारी। क्या? नहीं 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 नहीं, आप इसको मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। Oh!
तुम वीर के दोस्त हो? जी नहीं, मैं उनका कजिन हूं। बट तू हीरे तो नहीं देख सका, हीरे की चमक दिखाता हूं तुझे। हां, हीरे चुराने का प्लान मेरा ही था, लेकिन सवाल यह था कि बिना मुझ पे शक लाए मैं ये कैसे करता। नाल तो वैसे ही ड्रग्स में बेहाल था, तो मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता था, और उसके परिवार में उसका नाम पहले से ही बदनाम था, तो उसके लिए मैंने उसकी बहन अंकिता का इस्तेमाल करने का सोचा। पर मुझे नहीं पता था ये वीर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो वीर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि वो मुझ पे शक करने लगा था, तो मैंने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। वाह रे वाह, गुनाह करो तुम और फंसे कोई और, मगर सीआईडी के होते हुए ऐसे कभी नहीं होगा, समझे? दो दो खून किए तुमने, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी, फांसी होकर रहेगी। सर चित्रोले साहब चाहे कितनी कोशिश कर ले, सीआईडी को कभी दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते। मोहित को हमने पकड़ ही लिया ना सर? हाँ दया, दया ऐसे लगता है कि केस तो सॉल्व हो गया है, पर कुछ तो रह गया है, कुछ तो है जो इस केस के बीच में से गायब हो गया है। सब चीज तो हमने पकड़ ली, डकैती में जो चीज भी गायब हुई थी सब हमारे पास आ गई, ज्वेलरी वगैरह सब। तो फिर टेंशन किस बात की? चाचा चित्रोले, केस खत्म हो गया है फिर भी चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, कोई कबूतर उड़ गया है? कोई कबूतर नहीं उड़ा है सर, सब के सब पकड़ लिए गए। अच्छा, ज्वेलरी मिल गई है ना? हाँ सर, ज्वेलरी मिल गई, लुटेरे मिल गए। आपको क्या लगता है कुछ बाकी है? सोच लो। सोच लो? क्या सोच लो सर, अभी भी आपको शक है कि कुछ रह गया? शक नहीं है, यकीन है कि तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। तो मैं भी कम नहीं हूं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं। ये देखो, ये एसीपी के चेहरे पे जो लकीरें हैं ना, ये टेंशन की, ये बता रही हैं कि कुछ खो गया है बच्चों से, है ना? हाँ, कुछ खो गया है। अब बोला सच। मोहित पकड़ा गया, लड़कियां पकड़ी गई, ज्वेलरी मिल गई है, मगर हीरे नहीं मिले। हीरे नहीं मिले, कोई ले गया? कोई ले नहीं गया, मैंने ढूंढे हैं। आप लोग को तो हवा भी नहीं थी कि चोरों ने हीरे लूटे हैं। 40 लाख के। 40 लाख के हीरे? जी अभिजीत जी, 40 लाख के। तुम्हें तो पता ही नहीं चला? हाँ सर, मुझे पता नहीं था कि हीरे गायब है। पता कैसे चलेगा, ये एसीपी तो सारी बात बताते ही नहीं है, आधी बात। गुड़ू, तो आप बताइए ना, कहाँ है हीरे? है यहाँ, है मेरी जेब में। केस सॉल्व करता हूं ना, तो अपना कॉलर उठा के नहीं घूमता हूं कि मैंने केस सॉल्व कर दिया, समझे? अरे क्या हो गया भाई, हीरो में कुछ गैस भरी है क्या हंसने वाली? चित्रोले। चित्रोले।
भाई, ये क्या कर रहा है भाई? अजीब आदमी चित्रोले साहब, ये तो कांच के टुकड़े हैं। असली हीरे तो मेरे पास है। चित्रोले साहब, ये है असली हीरे। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अगर आपका बैड लक आपके हाथों लग गए कांच के टुकड़े और हमारे हाथों लग गए हीरे, असली हीरे। मेरा फोन आ रहा लगता है। मोना, हेलो मोना, मोना, अरे यार सिग्नल खराब है। मोना, मोना, हेलो मोना, हेलो हेलो, हीरे चाहिए मोना? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।